अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा सत्ता कब्जाने के बाद वहां पर हालात काफी खराब हो चुके हैं, जिसका असर व्यापार जगत पर भी पड़ा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने व झूठी अफवाह से बचने के लिए दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था व दोनों देशों के व्यापारी संगठन के लोगों ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए जाने माने अर्थशास्त्री व भारत व अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंधों के मुख्य सलाहकार सारत कोहली ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद व्यापार पर बैन कर दिया गया है, जिसके बाद से भारत व अफगानिस्तान के व्यापारी में असमंजस की स्थिति बन गई है। भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंध पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत होंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 से 2021 तक 10,000 करोड़ का व्यापार हो चुका है। सत्ता परिवर्तन से व्यापारिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बैंक प्रणाली की वजह से व्यापार पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन आने वाले समय सब कुछ सही होगा। बस झूठी अफवाह से बचने की कोशिश करें। इस मौके पर अफगानिस्तान व्यापारिक संगठन से जुड़े व्यापारिक दल सादिक अब्दुल्ला ने बताया कि वो पिछले 12 साल से भारत अफगानिस्तान से आयात निर्यात का काम करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी व्यापार पर ऐसा कुछ असर नहीं पड़ा है, आज भी भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंध मजबूत है। हाँ, झूठी अफवाह से व्यापार पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन व्यापार बंद नहीं हुआ, व्यापार अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी चलेगा। इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी शामिल थे, जिन्होंने व्यापार संबंधों को लेकर अपने विचार रखे। खबरें अभी तक तो देखिए व्यापार बंद नहीं हुआ, आई बी ऑनेस्ट विद यू। हाँ, थोड़ा सा तेजी है 5-7% इन र्यूमर्स की वजह से कि व्यापार बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक व्यापार आज दिन तक तो बंद नहीं हुआ। कोई नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट का, कोई किसी किस्म की हमारे लोगों को कि आप एडवांस पेमेंट्स ना भेजिए बैंक के थ्रू वहाँ पर, या ऐसा कुछ करने के लिए हमारे पास कोई किसी किस्म की हिदायत नहीं है। तो आपको जिसने बोला है कि व्यापार बंद हो गया या हो जाएगा, अभी ये गलत है। जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं अफगानिस्तान, वो पॉलिटिकल है। देखिए, कल को दरवाज़ा ही बंद हो जाता है, चमन का रोड बंद हो जाता है, बाय एयर का रास्ता नहीं है और कहीं से माल नहीं आ सकता, तो हम कुछ नहीं करते। इसकी कोई डेफिनेशन ही छुएंगे, अगर नहीं आएंगे तो छुएंगे वक्ती तौर पर, फिर लोग भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं मतलब रास्ते जो उनसे हैं माल आने के, ट्रेड वो कहाँ ले जाएंगे माल बेचारे। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है उन लोगों के लिए कि वो छोड़ ही नहीं सकते। और ये कहना कि, और तालिबान ने भी ये खुद कहा है कि हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत। देखिए जी, वहाँ जहाँ पर बिलियन डॉलर इंडिया के लगे हुए हैं, तालिबान का तो एक, मैं इस बारे में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता कि वहाँ पर जो स्टेक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करिए। अब ये वहाँ पर जब तक ये सामान नहीं हो जाता, सारे हालात नहीं हो जाते, तब तक कोई नहीं जाएगा, सबको जान प्यारी है। हाँ, आगे चल के महीने में, 2 महीने, 15 दिन में, 10 दिन के अंदर अगर वो ठीक हो जाता है तो मेरा ख्याल सब जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ से माल भी आएगा, पेमेंट्स भी जाएंगी, सब कुछ। पेमेंट्स अब भी जा रही हैं, पेमेंट जा रही हैं और माल भी आ रहे हैं। बिल्कुल गलत खबर पहली है। पहली बात तो बिज़नेस बंद नहीं हो गया है, मैंने अभी और आपके मीडिया भाइयों को भी बताया कि 10,000 करोड़ रुपए का साल का, सन 2020-21 का आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, जिसमें 6,000 करोड़ भारत से निर्यात किया गया, 4,000 करोड़ भारत में आयात किया गया, और अफगानिस्तान से आयात की गई चीज़ों में 2500 करोड़ रुपये ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स थे, इतनी भारी मात्रा में। मुझे नहीं लगता कि व्यापार रुक गया है। टेम्परेरी देखिए, जब तालिबान ने जब सत्ता पे कब्जा किया काबुल में, उस समय 2-3 दिन के लिए दिक्कत अवश्य आई, पर मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तालिबान को देश पे राज करना है, जबरन करना है, बंदूक से करना है या नहीं करना है, उनको सत्ता सत्ता की तरह से ही चलानी पड़ेगी, वरना देश में हाहाकार मच जाएगा। पहले ही हम अफगानिस्तान में विरोध के की आवाज़ें सुनने लगे हैं चारों तरफ, भले महिलाएं हों या नॉर्दर्न प्रोविंस की बात करें, सब जगह विरोध हो रहा है। और अगर ये आर्थिक संकट खड़ा हो गया, एक तो सिक्योरिटी का संकट है, महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उसका संकट है, उसके साथ साथ अगर भुखमरी मच गई या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, अगर वो इतनी बढ़ गई सामान के शॉर्टेज की वजह से, तो अफगानिस्तान पे तालिबान को देश चलाना मुश्किल हो जाएगा, उनको देश को खुद को छोड़ के भागना पड़ जाएगा, यहाँ तक मुसीबत आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि व्यापार को रोका नहीं जाएगा, व्यापार में बैंकिंग प्रणाली के रुक जाने से 2-3 दिन तक अवश्य दिक्कत आई, अभी भी कुछ बैंक काम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले शनिवार से बैंकिंग प्रणाली खोल दी जाएगी, क्योंकि अगर वो बैंकिंग प्रणाली नहीं खोलते हैं तो आप सोचिए कि तालिबान सरकार कैसे चलाएगा। अगर वो सरकार चलाना चाहते हैं, वो देश पे राज करना चाहते हैं,
जबरन करना चाहते हैं या लोगों की मर्जी से करना चाहते हैं इस बात पर, इसके लिए पैसा चाहिए। मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उस समय बैंकिंग प्रणाली को रोक दिया गया था, पर जो पेमेंट्स ऑलरेडी आ गई थी, जिन व्यापारियों के पास पेमेंट्स आ चुकी हैं वो अपना सामान भेज रहे हैं, जिनकी पेमेंट जा चुकी है वहाँ सामान जा भी रहा है और आ भी रहा है। मैं मुझे लग रहा है कि बैंकिंग प्रणाली को रोकना ऐसा ही है जैसे किसी देश में आप बिजली और पानी को रोक दें, आप दो तीन दिन गुजारा चल जाएगा पर आपका इससे ज़्यादा गुजारा नहीं चलेगा।